तो छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षकों के चौदह हज़ार नए पदों पर जो है भर्ती निकल के आ रहा है जी हाँ जो कि आप ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है तो किस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं किस तरह से आप जो है टीचर्स बन पाएंगे और चौदह शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है कम नहीं है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है अगर हम चौदह हज़ार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो तकरीबन जो है आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दो लाख स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम्स देंगे दो तो लाख स्टूडेंट चौदह हज़ार पोस्ट कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में ऐसे ही होता है चाहे आप कोई भी सो देख ले सी हो चाहे यू हो यू में तो दस से बारह लाख के फॉर्म फिलअप होते हैं लेकिन जॉब जो है सिर्फ छः सौ से सात सौ स्टूडेंट्स को ही मिलता है वही अधिकारी बनते हैं बाकी को जॉब जो है नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बाकी स्टूडेंट भी कोशिश करना छोड़ दे या बाकी स्टूडेंट्स प्रयास करना मेहनत करना ना छोड़ सकते हैं यह चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं तो छत्तीसगढ़ व्यापा में जो है शिक्षक के चौदह हज़ार पदों पर जो है नई भर्ती होगा तो आप जो है किस तरह से इस नए वैकेंसीज की तैयारी किस तरह से आप जो है इस नए भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं किस तरह से आप जो है तो एग्जाम्स के प्रिपरेशंस करेंगे किस तरह से हम जो है तैयारी करेंगे जिससे कि आपका कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाए सभी जानकारी आपको इस वीडियो में जो है देखने को मिलेगा और डेफिनेटली आपका कॉम्पिटिशन्स एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा जिनका तो अगर टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो चुका है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट्स हैं वहीं जिनका अगर टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफ़ाई नहीं हुआ उन स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि आप जो है और अच्छे से प्रिपरेशन्स कर सकते हैं आपका टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफ़ाई होना चाहिए चाहे आपने सी जी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई किया हो या फिर आपने जो है सी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई किया हो दोनों में से कोई टेट एक टेट एग्ज़ाम्स आपका क्वालिफाइड जो है होना चाहिए ये चीज़ें हैं कि बिना टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किए आप जो है शिक्षक नहीं बन पाएंगे जो कि आप में से हर एक स्टूडेंट्स का सपना है जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी जरूर बदलेगा आज नहीं तो कल आपको कामयाबी जरूर मिलेगा आज नहीं तो कल आपका कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई ज़रूर होगा अगर हम बात करें चौदह शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो आपका स्नातक होना चाहिए स्नातक की डिग्री जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए यदि आपका ग्रेजुएसन्स कंप्लीट हो चुका है स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुका है तो आप इसके लिए डेफिनेटली एलिजिबल हो आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं वहीं आवेदन करने के लिए कम से कम आपका उम्र जो इक्कीस वर्ष होना चाहिए मैक्सिमम एज लिमिट चालीस वर्ष होना चाहिए कैटेगरी वाइज भी छूट मिलता है एस और एस को जो है पाँच वर्ष का छूट मिलता है वहीं ओ बी एस वाले स्टूडेंट्स को जो है तीन वर्ष का छूट मिलता है तो यदि आप एस सी और एस कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं पैंतालीस वर्ष के आवेदन कर पाएंगे वही यदि आप ओ बी सी वाले स्टूडेंट हैं तिरालीस साल के हैं आप इसमें आराम से आवेदन कर सकते हैं तो शिक्षक भर्ती परीक्षा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में ताकि आपको सभी जानकारी डिटेल में मिल जाए तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जो कि आप ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सिलेबस है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्जाम्स में तीस अंकों के तीस प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य हिंदी से पच्चीस अंकों के पच्चीस प्रश्न अंग्रेजी से भी पच्चीस अंकों के पच्चीस प्रश्न गणित और विज्ञान से तीस अंकों के तीस प्रश्न सामाजिक अध्ययन से बीस अंकों के बीस प्रश्न कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से दस अंकों के दस प्रश्न वहीं सामान्य ज्ञान से भी दस अंकों के दस प्रश्न जो कि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपका बच्चे का विकास उच्च प्राथमिक साल बालक विकास के अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध बच्चों के विकास के सिद्धांत वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य बहुआयामी भाषा एवं विचार सीखने वालों के मध्य व्यक्तिक विभिन्नता भाषी विभिन्नता जाति लिंग समुदाय धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत व समग्र मूल्यांकन में अभ्यास ये चीज़ें वही समावेशी शिक्षक की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना जिसमें आपका वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले का शिक्षण सीखने में कठिनाई विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण सृजना सृजनात्मक विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वालों का शिक्षण इन सभी से प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहीं अगर हम बात करें आपके हिंदी के हिंदी भी इम्पोर्टेंट होता है इससे भी हिंदी से भी तीस अंगों के थर्टी मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में आपके एग्जाम्स में आएंगे स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी लिंग वचन काल वाक्य संधि संधि के प्रकार संधि विच्छेद शब्द विचार जिसमें आपका शब्द रूप शब्द रचना स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग तत्सम विदेशी अर्थ के आधार पर शब्द भेद जिसमें पर्यावरण शब्द विलोम शब्द अनेकार्थी शब्द शब्द युग्म रचना उपसर्ग प्रत्यय समास के भेद अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द पद व पद भेद संज्ञा संज्ञा के प्रकार सर्वनाम विशेषण क्रिया कारक वाक्य परिचय जिसमें वाक्य के अंग एवं वाक्य भेद विराम चिन्ह जिसमें प्रमुख प्रकार रचना में मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ पठित गांश भाषाई का अध्यापन जिसमें श्रवण वाचन लेखन एवं पठन कौशल इन सभी से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं तो हिंदी के व्याकरण की भी तैयारी आप जो है अच्छे से कर सकते हैं इसके साथ अगर हम बात करें इंग्लिश के तो इंग्लिश में आपके एग्जाम्स में जो है ग्रामर्स ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर्स की तैयारी भी आपको अच्छे से करना चाहिए जिसमें uh -huh. आपका कंप्रहेंसिव ग्रामर्स वकेबुलरिज कम्प्रेंसिव वकेबुलरिज साथ में पेडियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट जिसमें लर्निंग एंड एक्शन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग रोल ऑफ लिस्निंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल क्रिटिकल परस्पेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड एंड इन राइटर्न फॉर्म चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स ए क्लास रूम लैंग्वेज डिफिकल्टी सीरियस एंड लैंग्वेज स्किल्स हो गए लैंग्वेज एंड प्रोफिएंसी स्पीकिंग लिसनिंग री रीडिंग एंड राइटिंग टीचिंग में आपका लर्निंग मटेरियल टेक्स्ट बुक मल्टी मीडिया मटेरियल्स और मल्टी मल्टी लिंग ऑफ द क्लास रूम एंड रिमेडियल टीचिंग इन सभी से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम्स में तो ग्रामर्स की तैयारी करना है तो इसके लिए हम जो है इसेंशियल इंग्लिश का बुक ले सकते हैं इशेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन के बुक से आपके जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा तो हम जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से एग्ज़ाम्स की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं और डेफिनेटली आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा बस कोशिश करते रहना है मेहनत करते रहना और जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे मेहनत करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको कामयाबी देन मिल पाएगा इसके साथ जो है गणित और विज्ञान से क्वेश्चन से एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे गणित के लिए डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं वहीं साइंस के लिए दृष्टि आई का क्विक बुक वहीं सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंप्यूटर से भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे जो दस अंकों के होंगे तो इस तरह से एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन आपका अच्छे से हो पाएगा सो आई होप वीडियोस पसंद आए हो आपको अगर वीडियोस आपको अच्छा लगा लाइक करना चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लेना और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना सो थैंक यू मिलते हैं नए वीडियो में